everybody, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and today I'm standing with Geeta Ahluwalia aunty. और गीता आलूवाली आंटी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं किचन गार्डन एसोसिएशन की जयपुर में. वेलकम आंटी. थैंक यू. सो आंटी मुझे थोड़ा सा पहले तो आप बताएं कि आप आज हमें ट्रे गार्डन सिखाने वाले हैं और उसमें आप कैक्टस सक्यूलेंट की ट्रे गार्डन सिखाने वाले हैं, लेकिन पहले आप मुझे बताएं आपका ट्रे पूरी गार्डनिंग की जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई. एक्चुअली मैं मुझे इंटरेस्ट तो गार्डनिंग में बचपन से ही था, लेकिन जब मैं मतलब आफ्टर मैरिज जयपुर आई और मैंने केजीए को ज्वाइन किया जी. मैंने ज्वाइन किया था 1988 के लगभग 1989 में किया होगा. ठीक है. उसके बाद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था तो बस जैसे जैसे मैं देखती गई और मेरे मन में और भी ज्यादा मतलब बिल्कुल पागलपना सा हो जाता है हम लोगों को, बिकॉज बिल्कुल आई एम सो पैशनेट अबाउट प्लांट्स की मैं आपको बता नहीं सकती. और सब कुछ बस फिर वहां से शुरू हो गया, घर पूरा भर गया सारा. ये हमारी वहाँ से जर्नी शुरू हो गई जी. फिर मुझे कैक्टस सक्यूलेंट का तो बहुत शौक है, बहुत अच्छा, ओके. और मैं इसमें खूब करती हूँ उसी में आप कैक्टस. ठीक है. तो आंटी हम कभी ना कभी आपके घर भी आना चाहेंगे और आपका घर भी अपने व्यूअर्स को घुमाना चाहेंगे. जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम. अभी तो मेरा घर बड़ा अच्छा लग रहा है. ओके. मौसम बहुत अच्छा. ठीक है आंटी, थैंक्स अ लॉट हमें आपकी वर्कशॉप को कवर करने देने के लिए. इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम आपकी इतनी सुंदर आप ट्रे गार्डन, अभी मुझे पता है आप सुंदर सिखाने वाले हैं, तो आप इतनी सुंदर ट्रे गार्डन जो है सिखाने वाले हैं. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. उन गमलों की टुकड़ियों को आप बहुत यूज कर सकते हैं. आजकल जो आपको गमले टूट जाते हैं उसमें ब्रोकन पॉट में भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट होते हैं, उसमें सप्लीमेंट के बहुत अच्छे अरेंजमेंट होते हैं. अगर आप यूट्यूब पे या वैसे गूगल पे देखेंगे तो पता चलेगा आपको. उसमें स्टोरीज भी सब तरह से आप लगा सकते हैं, इसलिए कुछ फेक हो मत कभी भी. इवन की अखबारें भी नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं बिकता, हम तो हर चीज को यूज करते हैं. देखिए और पहले क्या है, जो आपकी गमले की ठीकरियां हैं वो इन छेदों पे रखनी है और उन्हीं के टुकड़े कर लो आप. और इसमें क्या है, ये ऐसे एक परत लगानी, ये थोड़ी कम है, ये देखिए ऐसे एक परत लगा लीजिए आप. ये क्या है कि पानी चूस लेते हैं ना, तो इसलिए आपके वो पौधे नहीं मरेंगे. आजकल क्या है, सिंडर का भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, सिंडर मेडेनियम लगा रहे हैं, रोजेस लगा रहे हैं. छोटा लगाया, एक के लगाया, अब हम इनके आसपास लगाएंगे. और आप सोचते हो कि पत्थर क्यों लगा रहे हैं, पत्थर और कैक्टस का तो नाता है, पत्थर उगते हैं और उससे ब्यूटिफिकेशन भी होता है.
थैंक यू आंटी, आपने जो हमें ट्रे गार्डन बनाना सिखाया विद अ मिक्स ऑफ सक्यूलेंट्स, कांटे वाले सक्यूलेंट और बिना कांटे वाले सक्यूलेंट के साथ में, तो बहुत ही अच्छे आपने हमें ट्रे गार्डन सिखाई विद द बेसिक्स एंड एवरीथिंग। एंड आई होप सारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से ट्री गार्डन बनाना आ गया होगा नाउ। एंड और आइडियाज़ के लिए कि हम ट्री गार्डन्स कैसे बना सकते हैं, यू कैन सी आवर यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑन ट्री गार्डन्स। एंड येस विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज एपिसोड। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज हिट दैट बटन राइट नाउ, एंड ऑल्सो डू लाइक and share my videos. Also in the description comment box आप बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। I'll see you soon.